प्रदेश में कांग्रेस चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है। हाईकमान ने कई नेताओं को जिम्मेदारी भी सौंप दी है, तो वहीं चुनावी तैयारियों को लेकर हमारे संवाददाता आकाश खुराना ने महेंद्रगढ़ से कांग्रेस विधायक राव दान सिंह से खास बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के महेंद्रगढ़ से विधायक राव दान सिंह। उन्हीं से जानते हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस का जो कार्यक्रम चल रहे हैं विपक्ष आपके समक्ष, अभी हाल ही में भिवानी में जो कार्यक्रम हुआ उसी पर ज्यादा बातचीत करते हैं। सर, किस तरह देखते हैं कांग्रेस का जो है कार्यक्रम चल रहे हैं विपक्ष आपके समक्ष, अभी हाल ही में भिवानी में हुआ ये कार्यक्रम? हालांकि कई जिस तरीके से देखा जाता है कि मुख्य क्षेत्रों में राजनीति के भिवानी आता है, लेकिन किरण चौधरी उस मन से गायब थी। क्या देखिए, ऐसा है जो भूपिंदर सिंह हुड्डा जब से लीडर ऑफ अपोजिशन बने, उन्होंने इसको विपक्ष आपके समक्ष एक कार्यक्रम देकर के हर पार्लियामेंट्री क्षेत्र में एक कार्यक्रम आयोजित करने का कार्यक्रम बनाया। 7 पार्लियामेंट में वो पहले कर चुके थे। 8वीं पार्लियामेंट भिवानी है और 9वीं हिसार और 10वीं रोहतक बचती है उनके पास। उसी उपलक्ष्य के अंदर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और ये भिवानी के अंदर बहुत ही एक तरह से मैं कहता हूँ सफलतम कार्यक्रमों में से एक सफलतम कार्यक्रम था विपक्ष आपके समक्ष, जिसमें सरकार की जो जो कमियाँ हैं, सरकार ने जो जो अनदेखियाँ की हैं, सरकार ने कांग्रेस से हटकर के जो बातें की हैं, उन सब बातों को जनता के सामने प्रेषित किया जाता है और जनता के सामने बताया जाता है कि विपक्ष आज भी उतना ही सक्रिय है और सरकार की जो गलतियां हैं उन गलतियों को उजागर करने के लिए हम आपके समक्ष आए हैं, ये इसका मकसद है। कांग्रेस में गुटबाजी कहीं ना कहीं दिखती है, लेकिन सर मेरा सवाल यही था कि किरण चौधरी जो है उस मन से गायब दिखी, क्या कारण रहा उसका? देखिए, कोई कांग्रेस में मतभेद नहीं है। हो सकता है कि उनका अपने कार्यक्रम पहले से निर्धारित हो और अपने कार्यक्रम के अंदर गई हूँ। बाकी मैं समझता हूँ कि आज भी कांग्रेस की नीति की नीयत एक है और नेता एक है। हमारा पूरे कांग्रेस का राहुल जी के अंदर, खड़गे जी के अंदर, सोनिया जी के अंदर, शीर्ष नेतृत्व के अंदर, प्रियंका जी के अंदर विश्वास है और कोई उनसे अलग नहीं है। हो सकता है कि अपने व्यक्तिगत व्यस्तता की वजह से, विशेष कार्यक्रम की वजह से कोई व्यक्ति नहीं पहुंच पाया हो। सबको आमंत्रित किया गया था और मैं तकरीबन सभी एमएलए वहाँ पर उपस्थित रहे थे, एक दो को छोड़ करके, और वो अपने अपने कार्यक्रम में व्यस्त हो सकते हैं, इस तरह की बात थी। बाकी मतभेद कोई नहीं। भिवानी लोकसभा क्षेत्र में ये कार्यक्रम हुआ, भिवानी जिले में ये कार्यक्रम हुआ, तो कहीं ना कहीं राजनीति गलियारों में ये खूब चर्चा है कि राव दान सिंह जो है वो लोकसभा का चुनाव भिवानी महेंद्रगढ़ से लड़ सकते हैं। देखिए, जहाँ तक सवाल है चुनाव लड़ने का, ये कार्यक्रम रहता है पार्टी का। हाईकमांड फैसला करती है किस व्यक्ति को विधायक लड़ा जाए, किस व्यक्ति को सांसद लड़ाया जाए। पार्टी का जो आदेश होगा सांसद लड़ने का, सांसद लड़ेंगे। उनका आदेश होगा विधायक लड़ने का, विधायक लड़ेंगे। सर, युवा चेहरा हैं आपके सुपुत्र हैं राव अक्षत और युवा प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं वो कांग्रेस के, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाता है उनके लिए क्या विधानसभा से वो तैयारी कर रहे हैं महेंद्रगढ़ सीट से, हालांकि अभी आप विधायक हैं वहाँ? देखिए, सैनिक को हमेशा तैयार रहना चाहिए और जब सेना तैयार रहती है तो लड़ाई का अवसर आता है, लड़ने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। पार्टी का अगर आदेश होगा कि अक्षत को चुनाव लड़ना है तो अक्षत चुनाव लड़ने के लिए तैयार है और लड़ना चाहिए। लगातार बीजेपी वाले कटाक्ष करते हैं, कांग्रेस में जो है भ्रष्टाचार हुआ, जनता उनसे परेशान थी। अब हालांकि जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार आएगी तो बड़े बड़े वायदे किए जा रहे हैं, सिलेंडर को लेके, बिजली जो है मुफ्त दी जाएगी, तो इसको लेकर क्या कहते हैं और जिस तरीके से प्रदेश के अभी मौजूदा हालात? देखिए, बिजली मुफ्त देने का कांग्रेस ने कोई वादा नहीं किया। उन्होंने कहा है कि 300 यूनिट तक हम आपको बिल नहीं देंगे। और जहाँ तक रहा सिलेंडर देने की बात, आपने देखा होगा हमारे पड़ोस में राजस्थान की सरकार है, वहाँ अशोक गहलोत जी ने 1150 वाले सिलेंडर को 500 रुपये में दिया है। तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि वो 550 रुपये में दे रहे हैं, तो हम भी 500 रुपये में जब हमारा राज आएगा तो हम आम आदमी को 500 रुपये में सिलेंडर देने का पूरे मतलब हमारी गारंटी। देखिए, ये थे मेरे साथ कांग्रेस विधायक महेंद्रगढ़ से राव दान सिंह, जिनका कहना है कि आने वाले समय में 2024 में जो विधानसभा के चुनाव हैं उसमें कांग्रेस जो है जीत का परचम जरूर लहराएगी। हरियाणा गुरुग्राम से कैमरामैन मोहित के साथ आकाश खुराना, जनता टीवी गुरुग्राम।